ऐसा सब मानते हैं कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य संबंधी कई हानिकारक समस्याएं हो जाती हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि सिगरेट की जगह पर हुक्का पीने से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होती है या कम परेशानी होती है। हालांकि कुछ अध्ययन किए गए हैं जो इन धारणाओं को गलत ठहराते हैं। हुक्का एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग धूम्रपान करने के लिए किया जाता है। हुक्के के अंदर से आने वाला धुआं पानी के अंदर से आता है और इससे इस्तेमाल किए जाने वाले तम्बाकू भी अलग अलग फ्लेवर या स्वाद में आता है। आजकल तो हुक्के के तम्बाकू में एप्पल, मिंट, चेरी, चॉकलेट, लिकोरिस, कैपोचिनो और वाटरमेलन आदि फ्लेवर भी आने लगे हैं। हालांकि हुक्का पीने वाले काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सिगरेट के मुकाबले यह कम हानिकारक होता है, लेकिन आपको बता दें कि हुक्का पीने से सिगरेट पीने के समान ही स्वास्थ्य संबंधी कई जोखिम होते हैं। हुक्का पीने से उन सभी बीमारियों के जोखिम अत्यधिक बढ़ जाते हैं जो सिगरेट पीने से होती हैं, जैसे ओरल कैंसर, लंग कैंसर, पेट का कैंसर, खाने की नली का कैंसर। हुक्का पीने से फेफड़ों की ठीक से काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती रहती है और दिल संबंधी रोगों के जोखिम भी अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इतना नहीं, हुक्का पीने से व्यक्ति की प्रजनन शक्ति पर भी गहरा असर पड़ता है और बांझपन का जोखिम भी अत्यधिक बढ़ जाता है। हुक्का पीने वाले व्यक्ति से आने वाला धुआं, जिसे सेकेंड स्मोक भी कहते हैं, काफी हानिकारक होता है। यदि आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां हुक्का चल रहा हो तो आप कैंसर का कारण बनने वाले धुएं में सांस ले रहे हैं। हुक्का पीने से स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं होती है, इस बारे में रिसर्च अभी भी चल रही है। हालांकि कुछ प्रमाण बताते हैं कि हुक्का पीने से स्वास्थ्य संबंधी कई जोखिम पैदा हो जाते हैं। हुक्के के धुएं में काफी मात्रा में हानिकारक विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, धातु के विषाक्त और ऐसे केमिकल शामिल हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। वास्तव में सिगरेट पीने वाले लोगों के मुकाबले हुक्का पीने वाले लोगों के शरीर में अधिक धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाती है। सिगरेट की तरह हुक्का पीने से भी लोग लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग व अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला हुक्का पीती है तो उससे होने वाले शिशु का वजन सामान्य से कम हो सकता है। हुक्का बार और कैफे आदि में इस्तेमाल की गई हुक्का पाइप को अच्छे से साफ नहीं किया जाता, जिसका संक्रमण या अन्य रोगों का फैलने का खतरा काफी रहता है। हुक्के के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तम्बाकू में हल्की हल्की मिठास लाने के लिए उसमें अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे गुड़, फलों के छिलके या शहद इत्यादि। आजकल तो तम्बाकू में कई प्रकार के फ्लेवर भी आने लगे, जैसे नारियल, मिंट, कॉफी और या अन्य फलों के फ्लेवर आदि। तम्बाकू में अलग अलग फ्लेवर और सुगंध आने से आजकल की युवा पीढ़ी भी हुक्के की तरफ काफी आकर्षित होने लगी है। आइए हुक्के के इतिहास के बारे में एक बार जान लेते हैं। हुक्के का इतिहास क्या है? हुक्के का इस्तेमाल लगभग 400 सालों से हो रहा है, जिसकी शुरुआत भारत और एशिया में हुई थी। 1600 ईस्वी की शुरुआत में भारत के एक फिजिशियन हकीम अब्दुल फतेह ने हुक्के का आविष्कार किया था। उनका मानना यह था कि तम्बाकू व धुआं पानी के अंदर से निकलने के बाद इतना हानिकारक नहीं रहता है। इतना नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि हुक्का इतना खतरनाक नहीं होता जितना सिगरेट होती है। यदि आप मुख्य रूप से काम की तरह हुक्का पीते हैं तो पहले रविवार और शनिवार को छोड़ने की कोशिश करें। इससे आपको एकदम से बदलाव लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोग जो हुक्का छोड़ देते हैं वो 3 महीने के अंदर फिर से पीना शुरू कर देते हैं। यदि आप हुक्के की आदत छोड़ने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसी परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार रहें, जैसे निकोटीन लेने की तलब होना या हुक्का पीने की तीव्र इच्छा हो जाना। सिगरेट की डब्बी, लाइटर, एस्ट्रे और माचिस इत्यादि को अपने आसपास ना रखें। उन सभी कपड़ों को धो लें जिससे धुएं या तम्बाकू जैसी गंध आती है। अपनी कार, फर्नीचर, पर्दे और कालीन आदि को भी धो धोकर अच्छे से साफ कर लें ताकि उनमें से तम्बाकू या धुएं की गंध ना आए। डॉक्टर की मदद लें। यदि आपको निकोटीन की तलब होती है तो आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर कुछ इस प्रकार की दवाई देकर तम्बाकू की तलब के लक्षणों को कम कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो भी आपके लिए बहुत से ऐसे प्राइवेट मेडिकल स्टोर उपलब्ध हैं जो हुक्का छुड़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट डॉक्टर की पर्ची के बिना ही मिल जाते हैं, जो च्यूइंग गम, चूसने वाली गोलियां या अन्य रूपों में उपलब्ध है। दोस्तों, जो लोग हुक्का पीने के फायदों के बारे में बात करते हैं, आइए इसके फायदे भी गिनवा देते हैं आपको। हुक्का पीने वाले ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि हुक्का सिगरेट के जितना हानिकारक नहीं होता है। इनका मानना है कि हुक्के का धुआं पानी के अंदर से फिल्टर होकर आता है, जिससे धुआं साफ हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हुक्के के धुएं में भी वही विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं जो कि सिगरेट के धुएं में होते हैं, जैसे टार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी मेटल और कैंसर का कारण बनने वाले अन्य हानिकारक पदार्थ। ऐसे में हुक्का पीने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि सिगरेट के मुकाबले हुक्का हमारे शरीर को कम हानि पहुंचाता है, वैसे ही कुछ लोगों का मानना है कि हुक्के की लत नहीं लगती। हालांकि सच्चाई यह है, सिगरेट की तरह इसमें भी निकोटीन होता है जिसकी आदत पड़ सकती है। सिगरेट की तरह हुक्के की लत को छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि हुक्के का इस्तेमाल आमतौर पर नशा करने के लिए नहीं किया जाता। तो दोस्तों, लोगों में मिथक है कि हुक्का पीने के नुकसान सिगरेट की अपेक्षा कम होते हैं। इसकी वजह से बीते हुए समय में हुक्का बार और हुक्का पीने वालों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके चलते हुक्का पीना आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। हुक्के में इस्तेमाल होने वाले तम्बाकू में
कई केमिकल मिलाकर उसे एक अलग फ्लेवर दे देता है। इससे उक्के का स्वाद मीठा हो जाता है और शायद यही कारण हो सकता है कि उक्का पीना पॉपुलर बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।